83 घंटों के लॉकडाउन के बीच परिवहन विभाग की ओर से रविवार को भी बसों का संचालन जारी रहा, जिसके संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था है। चुनाव संपन्न होने के बाद से रोडवेज की बसें सभी रूट पर नियमित रूप से चल रही हैं। दिल्ली मुंबई से आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए रोडवेज बसें लगी हुई हैं, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बस कंडक्टर साहेब आलम एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने कहा। आलम है, यात्रियों की पोजीशन जो है, जब ट्रेन आती है तभी यात्री मिलते हैं, वैसे यात्री नाम मात्र के निकल रहे हैं। जब ट्रेन की सवारी आ जाती है तब ये गाड़ी भरती है, तभी संचालन होता रहता है। पहले कितना चक्कर चलाते थे, इस समय कितना चल रहा है? पहले भी 300, जैसे इसका 346 है, 308 है, कभी चक्कर होता है, एक ही चक्कर होता है, और कभी चार भी चक्कर हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त पड़ौना जा रहे हैं। कितने घंटे पहुँचेंगे? अब 2 घंटे में पड़ौना पहुँच जाएंगे, और उधर वापसी जब चलेंगे वहाँ से तो नाम मात्र की 2-3 सवारी मिलेगी, वही लेकर बस चले जाएंगे, क्योंकि तो फुल लॉकडाउन है, वहाँ सवारी है नहीं। लॉकडाउन है? हाँ, फुल सवारी बहुत कम मिल रही है। रेलवे मिल जा रहा है? हाँ, यहाँ जो ट्रेन आती है वही सवारी मिलती है, और उसके बाद वापसी में सवारी बहुत कम मिलती है। यात्री नहीं निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, यात्री सबको मालूम है, नहीं आ रहे हैं। जो भी ट्रेन से यात्री आ रहे हैं वही यात्री हमारी बसों से अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं, शेष सभी बसें खड़ी हैं।